नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सरकार अपना बजट रखने वाली है सदन में। बजट को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का अलग दावा है, विपक्ष का अलग दावा है। सत्ता पक्ष का दावा यह है कि बजट आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और जब बजट पेश होगा तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार आम लोगों के हितों के ध्यान में रखकर ही काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को लेकर हमला बोला है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जो आरजेडी के विधायक हैं शिवचंद्र राम, उन्होंने बजट को लेकर हमला किया है और कहा है कि ये बजट खोखला है। किस तरीके से बजट को लेकर उन्होंने निशाना साधा है सरकार पर, आप सुनिए क्या कहा है शिवचंद्र राम ने। देखिए बजट तो ये बजट तो खोखला बजट है। मोदी जी का बजट क्या है? ये पूंजीपतियों के लिए बजट है, गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है, बेरोजगारों के लिए बजट नहीं है, किसानों के लिए बजट नहीं है, शिक्षकों के लिए बजट नहीं है, दबे कुचले बेजुबानों को जुबान के लिए बजट नहीं है, दलितों के लिए कोई बजट नहीं है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, जिसको महिमा मंडित करते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी, उसके लिए बजट है। कहां ये बजट में आप देखिएगा, ये बजट खोदा पहाड़ निकली चूहिया का समान है। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष आक्रामक है। साल चुनावी है, जाहिर है आक्रमण और तेज होगा विपक्ष का सरकार पर, और वो दिख भी रहा है। बजट को लेकर विपक्ष ने हमला किया है। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम ने निशाना साधा है और कहा है कि ये बजट खोखला है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।